अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए कि जो वृष राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आप क्या करेंगे, किस फील्ड में नौकरी करेंगे, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और धन धान की स्थिति क्या रहेगी, घर में किलकारी गूंजेगी, असहनाई बजेगी, जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके धन धान की स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता का सुख कैसा रहेगा, हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। भूमि भवन से क्या लाभ मिलेगा, यदि आपका कहीं लिटिगेशन चल रहा है या कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो कैसे हल होगा, इसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। और रोग और शत्रु की स्थिति क्या रहेगी, धन धान की स्थिति क्या रहेगी, माता पिता के सुख का क्या रहेगा, मित्रों से क्या सफलता मिलेगी, महिला मित्रों का क्या सहयोग रहेगा, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपको उपाय क्या करना है, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, और आपके लिए आज का शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का हो सकता है, आपका मन अज्ञात कारणों से तनाव में हो सकता है, तो तनाव से बचने की जरूरत है और अपने माली हालत ठीक करने की आवश्यकता है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको भली बात निर्वाह करें, क्योंकि आप छोटे छोटे बात को लेकर तनाव में हो जाते हैं, आपके कॉन्सेंट्रेशन बनता नहीं, तमाम तरह की परेशानियों से अपने को घिरा हुआ महसूस करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आज आपको बचने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपका मन तनाव में रहे, आपकी परेशानी बढ़े, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। माता पिता का सुख मिलेगा, यदि आप विदेश यात्रा के लिए स्कूल में कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के अगर प्लान कर रहे हैं विदेश में, तो आज आपकी यह मनोकामना पूर्ण होते हुए दिख रही है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होते हुए दिख रही है, इच्छित जगह पर आपका प्रवेश हो सकता है, नए तरह के कार्य हो सकते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बात को लेकर आपका मन तनाव में हो सकता है, तो अपने मन को शांत रखने की जरूरत है, इरिटेशन से बचने की आवश्यकता है। और कोई भी नए तरह का कार्य करते हैं तो आप किसी थर्ड व्यक्ति से, सेकंड व्यक्ति से राय लेके करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने हेल्थ को लेकर के चिंतित है तो पूरी हेल्थ को लेकर के चिंतित ना हो, आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों में वृद्धि होगी। यदि आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन आपका बहुत बढ़िया है। यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना करियर निर्धारित करना चाहते हैं तो यह दिन भी आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खेल के क्षेत्र से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, परिवार में शुभ कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा, नए मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर में बीमार है तो उसको स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, कृषि योग्य भूमि खरीदने की भी संभावना बन रही है। तो देखा जाए तो आपकी माली हालत काफ़ी अच्छी होगी, संतत्तियों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, अपने अतिंद्रिय ज्ञान की बात माने और अपने इंट्यूशन की बात सुने, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो करने की जरूरत है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावेश में आके किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पत्नी से संबंध बड़े मधुर रहेंगे, बच्चों से भी संबंध मधुर रहेंगे, भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होते हुए दिख रहे हैं और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि इमोशंस में आके कोई निर्णय न ले। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग है 2। हरे कृष्ण।